मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमान को लेकर अब चर्चाएं जोरों पर है। चर्चा है कि क्या सिंधिया राजघराने के प्रिंस महाआर्यमान राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मिशन 2018 को लेकर जहां युवा नेताओं की सक्रियता बढ़ने लगी है, तो ऐसे में सिंधिया राजघराने के प्रिंस की चर्चा होना जायज है। जी हां, माधव राज सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब ग्वालियर राजघराने के प्रिंस महाआर्यमान भी राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ महाआर्यमान की सियासी सक्रियता को देखकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे प्रदेश की सियासत में दस्तक देंगे। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि राजनीति में आने के लिए अनुभव जरूरी है और उनके पुत्र फिलहाल पढ़ाई के साथ अनुभव ले रहे हैं। मैं केवल अपने पुत्र के बारे में बात चर्चा कर सकता हूँ। वो अभी अध्ययन कर रहे हैं और उनका ध्यान अध्ययन के क्षेत्र में ही रहे, उनका ध्यान अपने अनुभव के क्षेत्र में रहे, क्योंकि जब राजनीति में हम लोग आए तब हम लोग कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं। और अगर आप देने की क्षमता आपकी तभी होती है जब आपका अनुभव हो, उस अनुभव के तहत आप जनसेवा के पथ पे आ सकते हैं। कुल मिलाकर सिंधिया की बातों से साफ हो गया है कि आर्यमान उनके राजनीतिक वारिस बनेंगे और वे फिलहाल इसके लिए सियासी मायने सीख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी में छोटे साहब की एंट्री कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।